हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा सूरत में एक कारीगर बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है और कितना मेहनत से कारीगर लोग काम करते हैं। ये मेरे बीबी लक्ष्मी, इनका एक ब्रेस्ट में एक ऑपरेशन हुआ है जो कि छाती पे है, एक स्टोन जो ट्यूमर हुआ था। ऑपरेशन में बहुत पैसा खर्चा हुआ, अभी हम लोग मेडिकल में हूँ। कल रात 11:30 बजे ऑपरेशन हुआ 12:30 बजे तक। अभी हम लोग 2 दिन मेडिकल में रुकने वाले हैं। हम जाना चाहते हैं सूरत, मगर क्या करें, परिस्थिति ऐसा है कि हम छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं। मेरे जैसे यहाँ हजार लाखों लाख लोग आके यहाँ काम करते हैं इस सूरत टेक्सटाइल मिल में। चलो आज आपको हम बताएंगे कि कितना मेहनत करते हैं, कितना मेहनत से काम करते हैं और कैसे काम सीख के करते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हूँ। कुछ सब्सक्राइबर्स है जो कि बात बोलते हैं, कमेंट करते हैं, भाई हमको जाना है। जो भी सूरत आना चाहते हैं, जो कमेंट करते हैं आने के लिए, मैं ये वीडियो में बता देता हूँ। क्योंकि सूरत आने के लिए एक जरिया चाहिए, जैसे कि कोई दोस्त या भाई, कोई अपना आदमी होना चाहिए सूरत में, जिसके पास रहना है, काम सीखना है, उसके बाद काम करना है। देखो कितना मेहनत से यहाँ काम करते हैं, बहुत दिन काम सीखने के बाद इन लोग सब कारीगर बने। जब बचपन से आके बबिन भरा, 3-4 साल हेल्पर में काम करते करते बबिन भरते भरते रोज़ 300-400-500 रुपये में काम करते करते अभी वो लूम्स वाला सब बन गए। जो लूम्स वाला बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत मेहनत है, क्योंकि अपने आदमी हो गए तो जल्दी सीख जाएंगे, नहीं होगे तो बहुत दिन बबिन भरना पड़ेगा, हेल्परिंग काम करना पड़ेगा 500-600 रुपया में, फिर लूम्स कारीगर बनेंगे। कोई भी काम हो, वही बबिन का काम भी हो, तो इस कोई आदमी का ज़रूरत हो जिसके पास रहना है और काम सीखना है, इसलिए जिनके अपने आदमी है वो आके आराम से काम सीख के कर सकते हैं। चलो हम देखेंगे, देखिए कितना मेहनत से बीम में बांध रहे हैं। देखिए बीम को बांधना है, चाहे सिंगल बीम हो या डबल बीम हो, यही ट्रैक सिस्टम में लटका के लेके मशीन में लगाएंगे, देखिए। और यहाँ जो 12 घंटा ड्यूटी होते हैं वो लूम्स वालों को 12 घंटे से 12 घंटा ड्यूटी करना ही पड़ता है, क्योंकि लूम्स में जो बबिन डालते हैं जब खाली हो जाता है तो फिर से नया बबिन डालना पड़ता है, क्योंकि जितना मीटर का कपड़ा वो लोग बनाएंगे उतना पैसा उनको मिलेगा, इसलिए उनको 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो कपड़ा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो पेमेंट भी उनको कम मिलेगा। अभी देखिए जो लूम्स में जो बीम खाली हो गया इसको लेके लगाएंगे, कारीगर जो मिलजुल के लेके लगाएंगे बीम को। एक बार लगा दिया तो 1 महीना तक ये बीम चलेगा, 1 महीना तक कपड़ा बनते रहेगा। ये जो काम कर रहे हैं इनके नाम है संतोष भाई, उड़ीसा के, गंजाम डिस्ट्रिक्ट के, और उनके साथ में जो है वो भी उड़ीसा के है। इस कंपनी में ज़्यादातर लोग उड़ीसा के काम करते हैं, और नीचे का फ्लोर में बहुत सारे लोग हैं जो कि बिहार के, झारखंड से, मध्य प्रदेश से काम करते हैं। एक एक कंपनी में बहुत स्टेट से लोग आके काम करते हैं, मगर बाहर से आते हैं, रहते हैं सब अपने अपने जगह। जैसे कि उड़ीसा वाला के ग्रुप बना के रहते हैं, झारखंड वाला उनके साथ में रहते हैं, अलग रहते हैं, सब अलग अलग रहते हैं, मगर काम करते हैं एक कंपनी में। कोई किसी के रूम पर नहीं रह सकता, क्योंकि हर किसी का खाना बातें अलग होते हैं, हर किसी को दूसरे के साथ जमेगा नहीं रूम पर। काम में तो हर किसी को जमेगा, मगर रूम पर अपने पर्सनल रहने का जगह के अपने आदमी रहना चाहिए। इसलिए जो भी गांव से आना चाहते हैं वो अपने आदमी के पास रह के काम सीखना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी आना चाहते हैं उनका अपना आदमी होना ज़रूरी है। अभी देखिए ये जो भाई काम करते हैं, जो एक बीम खाली हुआ है वो मशीन के पास लेके जाएंगे और उसको नीचे लाएंगे और उसको लगाया जाएगा। देखिए अभी बीम को लेके जा रहा है। इस कंपनी में मैंने काम करता था, अभी गांव आया हूँ। अभी गांव से जाऊँगा तो कौन सा कंपनी में काम करूँगा, मेरा कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि सूरत का काम कुछ ऐसा ही है, सब प्राइवेट सिस्टम है। एक बार गांव आया तो दोबारा जाएगा, फिर से काम ढूंढ के करना पड़ता है। और जो सब्सक्राइबर्स है कमेंट करते हैं, भाई हमको हेल्प करो, ले के काम पे सिखाओ, बैठाओ, इसे मैं किसी को हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि सूरत का जॉब कुछ ऐसा ही होते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वो जगह ऐसे होते हैं, जैसे महाराष्ट्र के पुणे है, जो भी जाएगा 1-2 दिन के बाद वो काम करते हैं, कुछ सीखना नहीं पड़ते हैं, पैसा कम मिलते हैं मगर काम डायरेक्ट करते हैं। मगर सूरत का काम कुछ ऐसा है, बिना सीखे काम कोई कर नहीं सकता, 15 दिन, 1 महीना, कोई 4 महीना, कुछ कोई काम को 1 साल, ऐसे सीख के करते हैं। जो वारपिन का काम होते हैं वो 3-4 महीना 6 महीना तक सीखते हैं, हेल्परिंग के काम करते हैं। मगर अगर वो अपने आदमी भाई हो गए या अपने चाचा होगा तो 1 महीना में वो काम सिखा सकते हैं, और टीएफओ का काम 15 दिन से भी हो जाता है। मगर
एक महीना डेढ़ महीना भी कोई कोई सीखते हैं। अगर कोई अपने आदमी होगा तो 15 दिन में सीखा के कारीगर करके एक काम में बैठा सकते हैं। और बॉबिन 3-4 दिन में बॉबिन के काम होते हैं तो सीख सकते हैं, 8-10 दिन में काम सीख के आराम से कर सकते हैं। मगर अपने आदमी हो गए तो, अगर ये लूम्स का काम क्या होते हैं, जब बॉबिन भरते हैं तो उसको सीखने के लिए लूम्स का काम बॉबिन भरते हैं और कारीगरों को लोग के साथ ऐसे हेल्परिंग, जैसे उनके साथ कैसे बीम लगाते हैं, कैसे शटल में डालते हैं बॉबिन को, सब धीरे धीरे सीखते सीखते 4 महीना 6 महीना 1 साल लगते हैं। उसके बीच में वो भी उनको पेमेंट भी मिलते हैं बॉबिन वाला से, जैसे बॉबिन भरते हैं उनके लिए पैसे भी मिलते हैं। इस प्रकार लूम्स के काम सीखते हैं। आजकल सूरत में हज़ारों लाखों कंपनी बनते रहते हैं, मगर लूम्स के काम बहुत कम लोग होते हैं जो कि लूम्स के काम सीखते हैं, क्योंकि इसके ये काम को सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है। अभी देखिए ये जो ये साइड में जो कारीगर भाई काम कर रहे हैं, वो अभी कुछ दिन से नया काम कर रहा है, वो बॉबिन भरता था, अभी 1 महीना से वो सीख लूम्स चला रहा है। इस प्रकार हर कोई काम करते करते लूम्स वाला बनते हैं। वो जो पुराना कारीगर दोनों उधर है और ये वाला नया वाला लूम्स वाला है जो कि बॉबिन भरते भरते अभी लूम्स चला रहा है। इस प्रकार सूरत में काम करते हैं। सूरत में कारीगर बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, मगर जब कारीगर बन जाता है तो बहुत सारे पैसे कमाते हैं, क्योंकि आखा इंडिया में जितने भी काम होते हैं, जितने भी स्टेट होते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा मिलते हैं सूरत में। क्योंकि कोई भी नया कारीगर आके काम सीखे काम करेगा तो उनको 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार भी मिलते हैं, क्योंकि जितना पुराना कारीगर को मिलते हैं, 10-15 साल का कारीगर जितना कमाता है, जो नया आता है वो जब काम में 10-15 दिन सीख के करेगा तो उनको भी उतना ही पैसा मिलेगा। ये सूरत का सिस्टम ऐसा ही होते हैं, नया पुराना इधर कुछ है नहीं। अभी मैं गांव में हूँ, मेरा बीबी का एक स्टोन जो ट्यूमर है ऑपरेशन हुआ है, कल रात 11:30 बजे उनको ऑपरेशन हुआ, 12:30 बजे तक। अभी हम लोग मेडिकल में मेरे बेटे आहन और मेरे बीबी लक्ष्मी और मेरे भाभी भी उधर बैठा है, मेरे साथ आया है भाभी। देखिए ऑपरेशन तो हो गया है, अभी 2 दिन हमको इस मेडिकल में रुकना है, जब उनके तबीयत ठीक हो जाएगा तो हमको घर जाना है। अभी गांव से जाने के लिए तो बाहर मन नहीं करता है, गांव में रुकने के लिए मन करता है। मेरे बेटा आहन है जिसके साथ खेलने के लिए मन करता है, रहने के लिए, मगर मजबूरी ऐसे है। अभी जो ऑपरेशन हुआ है उसमें पैसा खर्चा हुआ है, पैसा का ज़रूरत भी है, घर तो जाना पड़ेगा, क्या करें। अभी देखिए मेरे परिवार है। इस वीडियो में हर सब्सक्राइबर और जितना भी देखते हैं इसको, सबको मैं बताता हूँ कि हमेशा खुश रहो, परिस्थिति कैसे भी हो, परिस्थिति के सामना करके हमेशा खुश रहो, परिवार का साथ, अपने माता पिता सबको खुश रखो। चलो आज के वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। आज के वीडियो तो मैंने ज़्यादा कुछ आपको दिखाया नहीं, क्योंकि मेरे मन थोड़ा दुखी है, इसलिए कुछ ज़्यादा बनाया नहीं। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। चलो आज के वीडियो में मैं इतना में रखता हूँ, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। जय जगन्नाथ।